अच्छा तो पूरा नॉर्मल ही दिखती है पर दिक्कत है कसर में बार बार दर्द देता है। पहला बार है कि दूसरा बार है? दो बार हो गया पहले ही। तू बेहोश मन है? वो बताया ना क्या तो बोले कि हाँ सीटी स्कैन में करा लीजिए। अब करा लीजिए फिर दवाई खा के। अंजलि सिटी रूम में जा रही है क्योंकि अब इसका स्कैन होगा दोस्तों, सिटी स्कैन। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो देख सकते हैं सुबह सुबह सारे कपड़े पसरे हुए हैं, आज भी कपड़ा धोया दोस्तों, इतना सारा सुबह सुबह नंदिनी मम्मी सब मिल के धोई है। इधर नंदिनी जी दवाई का तैयारी कर रही है, किसके दादा को दे रही है। हाँ तो आप लोग कैसा दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी दवाई दे रहे दादाजी को, टाइम हो गया उनका नाश्ता करने का। दे सुबह का दवाई तो अभी खाना उना बन गया है, अभी बस घर का काम तो पता ही है कि घर का काम। मम्मी चूना दिए इसमें, मम्मी चूना दी तुलसी पिंडा में दोस्तों, नील मार के सूखेगा तब तो कुआं पर भी। कुआं में देखिए ना रहेगा, मम्मी तुरंत में बाल्टी पानी निकलेगा सब निकल जाएगा। जा रहे जल्दी से, मम्मी का फोन भी आ रहा काम पे जाएगी। कल नहीं गई ना, आज नहीं जाएगी तो आज ही कट गया। दोनों फोन बात कर आ रहे हैं। और भी क्या, ये तो एक ही गोली लगता है। कम हो गया तो मंगवा दो भाई, नाश्ता के बाद ये वाला दिए ना, अभी ना दिए। हां हो गए चार गोली। हां और ये बाबा का ब्रेन वाला माइंड बूस्टर है ना, क्यों बार बार ले जाना देना, अभी जाके दे देते हैं। दस वाला तो 10 बजे वाला दवाई देती है, मत बोलिएगा कि दवाई अगर भी करते रहिए। भी नाश्ता करते दो तो नाश्ता बन चुका है ना, मेरी नाश्ता ही बना दी है। दवाई खा लिया? कौन सा दवाई ले गया? दवाई निकाल। चलो रखो उसको, मारेंगे हम। अभी खाना खाया दादा तो थाली लेके आया, बोलता मम्मी दादा खा लिया। समझदार हो गया, थोड़ा बहुत काम कर लेता है। निकाल दे आपको भी खाना। हाँ। अंजलि का तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गया दोस्तों, उसका सर में दर्द बढ़ गया था ना, जो गाड़ी से गिरी थी उसी में चोट लगा ज्यादा। तभी अस्पताल आए हैं, देखिए कितना टाइम लगता है। थ्री आज अंजलि को दिखा के जाएंगे डॉक्टर से, काफ़ी तकलीफ हो रहा। मम्मी भी साथ में आई है और नंदिनी का ब्लड रिपोर्ट भी लेना है तो उसको भी यहाँ से लेके जाएंगे। चलिए दोस्तों आ गए यहाँ पर लेने के लिए ब्लड रिपोर्ट लेने आ गए हैं। अभी टाइम लगेगा, एक नंबर का बात है हमारा, देखते हैं कितना देर में मिलता है। एक नंबर मतलब एक आध घंटा लग जाता है रास्ते सब में। दोस्तों हम लोग MGM आ गए हैं, तो वहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो गया तो इसलिए यहाँ पर डॉक्टर बोला दिखाने के लिए, तो सारी बातें बताएंगे। तो इसलिए पर्ची बनाना हुआ यहाँ का, आपका पर्ची है ना जी, मम्मी रख ली किसी में ना। चलिए दोस्तों भीड़ है कि खाली पता नहीं है, बहुत टाइम हो गया खाली होगा क्योंकि लेट हो गया हमारा, खाली है बंद हो गया अगले बंद है दोस्तों। चलो अंदर चलो, बंद हो गया पर्ची वाला, क्या करेगा, 12 बजे रहा होगा अभी क्या, तब तो बंद होता है। बंद है दोस्तों पर्ची वाला, वेट करना होगा करीब 2 घंटा तब जाके खुलेगा। महिला लॉबी काउंटर बंद है क्योंकि 12:30 बजा भी नहीं है, 12:20 में ही बंद हो गया है, 3 बजे खुलेगा बोल रहे हैं, तो वेट करो 3 बजे तक। 3 घंटा वेट करना होगा दोस्तों, किराना फिर जाना फिर दिक्कत है दोस्तों। चलिए अभी 3 घंटा हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मजी नहीं आ रहा, 3 घंटा हमें देखना पड़ेगा। तो घर जाएंगे तो फिर घर से आना पड़ेगा, फिर जाओ आओ तेल खर्च फिर भी फिर टाइम नहीं मिला तो फिर देखना पड़ेगा। चलिए यहीं पर रहेंगे, 3 बजे खुलेगा तो उसमें काम हो जाएगा, तो घर जाएंगे फिर आएंगे, फिर कहीं देखा नंबर भीड़ लग गया तो फिर वो भी काम नहीं होगा। चलिए आज यहीं रुकते हैं, 3 बजे तक रुकते हैं दोस्तों। डॉक्टर लिख के भी दिया है कि यहाँ पर करा लेने का, आज करा लेंगे। तो चलिए 3 बजने वाला खुल गई, 3 बजने वाला
खुल गया ना जी? खुला नहीं है, सब लाइन में लग रहे हैं, अभी 3 बजने वाला है, 10 मिनट बचा हुआ है। तो भाई अभी लाइन में लग गई, अभी पता नहीं खुलने टाइम में बहुत भीड़ हो जाएगा। जा बैठ जा, जा लाइन में लग जा। 2 मिनट बचे रहे तो पता नहीं क्या होगा। उसी ले जा अभी, चाह खड़े हो तो खुल गया, जा खुल गया, जा खुल गया। चलिए खुल गया दोस्तों, अपना पर्ची बना के आएगी, यही ना दिखाना। चलिए पेपर तो बन गया, यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर जाकर डॉक्टर को तब होगा। लोकल नंबर तिरपन, कितना नंबर बोला? नंबर नहीं बताया। कैसे जाएगा? नंबर दिया था, नंबर तो नहीं दिया, लेकिन पूछ देते हैं। जब पूछ के आओ, इसमें नंबर कितना नंबर दिया ऊपर लिखा हुआ, जब पूछ के आओ नंबर कितना है, बहुत जल्दी से पूछ के आओ नंबर। चलिए नंबर तो पूछ के आ गई होगी, नंबर पूछ लिए हैं। कितना नंबर बोला? 17। चलिए दोस्तों पेपर तो बन गया, 17 नंबर में जाके दिखाना। अच्छा तो पूरा नॉर्मल ही दिखती है, पर दिक्कत है कसर में, बार बार दर्द देता है, टिप टिप करता है, इसीलिए वहाँ तो सिटी स्कैन लिखा था, पता नहीं है क्या लिखेगा, जाके दिखा लेंगे। पहले फिर 17 नंबर में आ गए हैं, पर अभी बंद है, खुलेगा तब दिखाया जाएगा, डॉक्टर अभी नहीं आ रहा, इसका सर दर्द दे रहा है। क्या हुआ? सिस्टर आएगी इसमें, वो देखेगी, नहीं वो लिखेगी ना, उसके बाद डॉक्टर तो वही थे। डॉक्टर अभी लिखने लगा, कोई नहीं है, नहीं। जमा क्या ना? नहीं मतलब सिस्टर आएगी तो ना, वही लिखती है, वही जमा करती। पता नहीं दोस्तों, जमा करेगी तो ना नंबर आएगा, देखिए अभी क्या होता है। ये सदर का पेपर तो लग नहीं देगा, इसमें क्या हुआ था दोस्तों, आपका सिटी स्कैन नहीं होता सदर में, तो बोले MGM में जाइए, वहाँ जाकर दिखा लीजिए, कमो MGM में यहाँ पर होता है, और डॉक्टर से दिखाएंगे वो डॉक्टर के यहाँ का डॉक्टर क्या लिखेंगे तब ना होगा, पहले डॉक्टर से दिखा लेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं। खाली हम डॉक्टर लिख के दिए सब दवाई हुआ, पहले देखते हैं अंदर में मिलता है कि नहीं। अब दवाई मिलेगा, 4 तरह का दवाई, एक तो सुई भी है, सुई भी लगेगा, टेटनस का सुई बोला है, और दवाई खाने बोला है, तो उसके बाद अगर नहीं ठीक होता है तो सिटी स्कैन करना होगा ना। अभी बोले? अभी नहीं बोले, अभी बोले थे क्या तुम बोला? नहीं हाँ वो बताया ना, क्या तो बोले कि हाँ सीटी स्कैन भी करा लीजिए। अब करा लीजिए फिर दवाई खा के? नहीं पता, नहीं वो थोड़ा बहुत छिला भी गया हाथ पर, देखा ठीक हो गया नहीं ठीक हो गया, थोड़ा ये है हाँ ठीक हुआ है, हंसते रहती है हमेशा, रोते रहे तो दवाई तो नहीं मिला दोस्तों, फिर एक ही रोज टेबलेट मिला सुबह खाली पेट वाला, अब यार सिटी स्कैन कराना होगा, डॉक्टर बोला सिटी स्कैन कराना जरूरी है, तो करा लेते हैं, उधर होता है देखो उधर, चलो कराना ही पड़ेगा, लिख दिया है तो क्या करें, आप तो मांगिए गंदा कर रहे, हम कर रहे मेरा का हाथ में क्या हंसते रहते ना, मेरे को खराब ही लगता तेरा ये, रखो वाला दवाई तेरी है, मेरे 4 दिन का दवाई है, इसलिए आ गए हैं दोस्तों सिटी स्कैन कराने के लिए, नहीं पास होगा जल्दी, डर लग रहा है सिटी स्कैन में, क्योंकि बड़ा वाला मशीन में घुसा के निकालता है, पहला बार है कि दूसरा बार है? 2 बार हो गया पहले, अब तो बेहोश मन, अभी होश में होगा, कुछ भी लोहा का सब खोलना पड़ेगा आपको, यही है भाई ना, कुछ नहीं है ना, सब खोलना पड़ता है लोहा का, तो टाल लेगा तो मशीन में चाहते हैं। अच्छा इसलिए इलाज कराने ना? हम नहीं, मम्मी भेजिए बोल कहीं भगेन से। अच्छा मम्मी भेजिए तब आए, जैसे नहीं आते हैं? आते वही कि 4 को बात सुनाते पहले। अच्छा चलो ना कोई बात नहीं, इलाज कराने आ गए, कितना समय हमको पता है। सिटी स्कैन कराने के लिए आ गए हैं, हम पास पहले काउंटर में बिलिंग कराए दोस्तों, काफ़ी पैसे लग गए, तो बिलिंग हो गया, थोड़ी देरी बाद अंजलि जाए, चली गई उधर।
किस केंद्र तो करवा दिए हैं, चक्कर भी मारता है आपको। हम मुंह देखते हैं, अकल नहीं दिख रहा कितना उतरा हुआ है इसीलिए। अब कल 2 बजे रिपोर्ट मिलेगा, आज नहीं मिलेगा बोले हैं, तो कल भी आना पड़ेगा, कल भी दिन भर मरेगा यहाँ पर। कई दवाई लेना है दोस्तों, दो एक दवाई तो मिल गया था, 3 दवाई और लेना है तो बाहर से मेडिकल में मिल जाएगा। तो पहले और डॉक्टर से पहले दवाई लेके पहले दवाई लेने चलते हैं दोस्तों। 3 दवाई है, एक दवाई तो मिल गया, 3 दवाई ले लेते हैं। क्या दो गो नहीं है मतलब 3 गो है ना दवाई, 3 तो एक को तो मिल गया, 3 तो है फिर लेते हैं। दवाई मिल गया दोस्तों, अब चलते हम लोग यहाँ से घर निकलते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, देख रहे शाम हो गया, सुबह का निकला हुआ शाम हो गया, तो ये कल भी वही हाल है, कल भी आएंगे तो शाम हो जाएगा। चलिए हम घर निकल रहे, दवाई ववाई सब हो गया है, अब कल रिपोर्ट आएगा तब पता चलेगा दोस्तों। तब घर में मिलते हैं एक बार हम लोग। हम लोग घर पहुँच गए हैं और एक तो केक लेके आए हैं, कुल्लू नंदिनी बाकी सब खाएंगे। आ बेटा बोया है ये तबाही, तो तबाही नहीं मचाएगा ना बेटा, तबाही में केक है। देखो एक तो मैं केक है, रखो केक है। अरे हाँ तेरे केक है, आराम से रखो, घर में रख दो। वो केक आ गया तेरा, क्या हुआ तुम क्या उदास होगी? हाँ पूछो कितना टाइम लगता है, हम लेट किए हैं। हमसे मत बोलिए, हम ऐसे भी आपसे ना बातें करना बंद करते हैं। ठीक है, पता नहीं अब इसको क्या हो गया, सुबह में बोली जा केक भी ला दिए, केक बोली लाने केक भी ला देगी, खाएगी बोली थी मेरी तरह तो भी ला दिया, पता नहीं क्या हो गया, लेट हो गया दोस्तों, क्योंकि देख ही रहते हैं इतना टाइम लग गया था। हम और जल्दी खाना बन गया था, सभी खाना वाना खा लिए हैं और सो रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा थक गई है ना नंदिनी भी, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं तो सो रही है। आ जाओ बेटा, मैं गुल्लू आ जाएगा क्योंकि दोपहर में सोया है। आज इधर देखो बेटा, इधर देखो ये क्या बोल रहे, इधर क्या बोल रहे हो, किधर जाएगा तू? पता नहीं रात को इसको नींद नहीं आ रहा है, सो गया थी चुप रहा भाग। वो अगरबत्ती है बेटा, अगरबत्ती है वो, मत जाओ जल जाएगा, अगरबत्ती है बेटा नहीं जाओ। ठीक तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा हमारा वीडियो को। सभी सो रहे हैं क्योंकि ठंडा भी बढ़ गया ना, तो धीरे धीरे जैकेट सब पहन लिए। चलिए तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं दोस्तों।